सावरकर जी को जो है भारत रत्न देने की मांग संकल्प पत्र में शामिल किया है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने, वीर सावरकर को भारत रत्न देंगे अगर सरकार बनती है। वीर सावरकर जी के जीवन के दो पहलू हैं। पहला तो बहुत ही उल्लेखनीय है जहां उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। दूसरा पहलू है जब उन्होंने माफ़ी मांगकर वो वापस लौट कर आए। तो इस दोनों पहलू पर भी हम लोगों को विचार करना चाहिए और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि महात्मा गांधी की हत्या में षड्यंत्र में उनका नाम भी दर्ज हुआ था। सावरकर को अगर भाजपा के मैनिफेस्टो में भारत रत्न देने का आग्रह किया गया है तो कांग्रेस पार्टी इतनी परेशान क्यों है? क्या मतलब है इसका? वीर सावरकर राष्ट्रभक्त नहीं थे क्या? मैं 4-5 बार अंडमान निकोबार गया हूं और जब भी जाता हूं तो उस सेल में जाकर 1 घंटे जरूर बैठता हूं जिसमें 11 साल सावरकर बंद थे। उनको लिखने पढ़ने के लिए कलम नहीं दी गई, कोल्हू चलवाया गया और उसके नीचे कच्ची फांसी हुआ करती थी कि जिसी क्रांतिकारी को फांसी दे वो कराहता रहे ताकि उसकी आवाज़ सुनकर सावरकर घबरा जाए। जो व्यक्ति 11 साल 14 साल अपनी जवानी के गुजार देता है, जिसे देश से कुछ नहीं मांगा, संघर्ष किया, ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले समाज के विकास के लिए इतना काम किया, इन राष्ट्रभक्तों को भारत रत्न निश्चित मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने परिवार में भारत रत्न समेटना चाहती है।